कि ये ओबीसी जैसे लोगों को उनके लोग भी जानते हैं, हिंदुस्तान की जनता भी जानती है, लेकिन आज के समय में हिंदुस्तान की जनता इतनी होशियार है कि किसी के भी भड़काने पर भड़कने वाली नहीं है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। देखिए क्या है, ट्रस्ट बनाना एक बहुत बड़ा संकट का विषय है सरकार के पास, क्योंकि ये आज ही जो है निर्मोही अखाड़ा के जो संत हैं उनने अयोध्या से अपना टीवी चैनलों को इंटरव्यू दिया है और ये बोला है कि हमारा प्रतिनिधित्व होना जरूरी है निर्मोही अखाड़ा का जो भी है। तो एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसमें इनको सभी को लेके चलना पड़ेगा, चाहे वो छोटी छावनी हो, चाहे निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे रामलला जन्मभूमि के जो केस लड़ रहे थे वो हो। तो ट्रस्ट तो सरकार बना लेगी, लेकिन मंदिर निर्माण का रास्ता कैसे साफ होगा ये अभी कहा नहीं जा सकता। वहीं AIIMIM के चीफ जो हैं ओवैसी साहब, उनका ये कहना है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने उसको ही ट्रस्ट बनाने का जिम्मा सौंपा है जिसने 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था। देखिए क्या है, ओवैसी साहब एक सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और MP भी हैं इस देश के, और उनने इंग्लैंड में पढ़ाई की है। उनको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि एक एक बात को सुप्रीम कोर्ट ने खोल के रखा है कि केस ऑफ ज्यूरिडिक्शन क्या था, 1200 से 1600 के बीच में वहाँ कहीं पे भी नमाज के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, और कोर्ट के अंदर जो केस है पहली लाइन जस्टिस की यही थी कि भावनाओं में जाके कोर्ट का फैसला नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने एविडेंस के हिसाब से ही सब कुछ किया है और उनका इस मामले में सकारात्मक व्यू होना चाहिए। मैं उनके लिए ये सलाह दूंगा कि वे हिंदुस्तान के जो मोमडंस हैं उनके लिए सही व्यू दें, सकारात्मक बोलें और सब कुछ करें, और साक्ष्य के आधार पर जो केस का निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा है। क्या लगता है ऐसे बयान जैसे ओवैसी साहब ने दिया या कुछ और लोग जो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं देश में शांति फैलाने का ये संदेह है? देखिए ओबीसी जैसे लोगों को उनके लोग भी जानते हैं, हिंदुस्तान की जनता भी जानती है, लेकिन आज के समय में हिंदुस्तान की जनता इतनी होशियार है कि किसी के भी भड़काने पर भड़कने वाली नहीं है। जो आज छोटे से लेके बड़ा आदमी तक कोर्ट की प्रोसेस जानता है कि बिना साक्ष्य, बिना एविडेंस, बिना कागजातों के कुछ नहीं होता है, उस देश की जनता सौहार्द्र बनाने में बहुत ही निपुण है। सन 47 के बाद इस देश का कभी सौहार्द्र इन सब बड़े मामलों में कभी नहीं बिगड़ा है और ना बिगड़ेगा, और मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि देश का सौहार्द्र ऐसा बना रहे कि दुनिया में भारत का जैसा नाम है वैसा रहे।